माँ की भावना कई बार चर्चा करती है, शादी के लिए कहती है, माँ है उनका मन तो ऐसा है, माँ की जिद के कारण ही हमारे गुरु जी ने आज्ञा दी हमें और हमने हार कहा जगत गुरु को। आप लोगों को भी बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की शादी का इंतजार रहा होगा, तो वो इंतजार आप लोगों का भी खत्म होने वाला है। क्योंकि उनके गुरु जो जगत गुरु जी महाराज श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कह दिया है, एक कथा में कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी माता जो हैं वो काफ़ी उनसे गुस्सा रहती हैं और कहती हैं कि हमारे बेटे की शादी रोक करके रखे हैं, हमारे बेटे की शादी नहीं होने दे रहे हैं गुरु जी महाराज, और अपने जैसा ही उन्हें बना देंगे लगता है। उन्हें काफ़ी उलाहना देती रहती हैं जगत गुरु जी महाराज को। इसलिए जगत गुरु जी महाराज ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे और जो है वो गृहस्थ आश्रम अपनाएंगे, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, वो अपनी स्वेच्छा से गृहस्थ आश्रम अपना सकते हैं और उनकी माँ का आदेश तो जैसा कि आप सभी पता है पहले से मिला हुआ है। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की शादी भी फिक्स हो जाएगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जून के बाद से, जून में उनका बर्थडे है, जून के बाद से उनकी शादी हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।